सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है जी, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज है जी, एक सोशल मीडिया का नया चेहरा आप यहाँ पे जैसे देख भी पा रहे हैं जी, जो कि थोड़ा बहुत पशुओं का जो कि सेल परचेज का काम करते हैं, अच्छा पशुधन ही जो कि अपने डेयरी फार्म पर परचेज करके लेके आते हैं जी। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एक मुर्रा जोटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। भाई साहब से इस जोटी की हम डिटेल से ले लें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो भाई साहब से मिलाना चाहेंगे और जो एड्रेस है वो भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? भाई साहब से पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मनोज कुमार। विनोद कुमार, ठीक है जी। तो एक बार एड्रेस और बता दीजिए। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक और हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कलानौर से जो बाईपास है, बाईपास पे जो कि भाई साहब का जो कि ये डेयरी फार्म है वो है। तो भाई साहब जानना चाहेंगे अपना सेल परचेज का काम है। हाँ जी। कितने पशु ऑल टाइम आपके पास बिक्री के लिए रहते हैं? अच्छा, आते जाते रहते। ताजा भी, ताजा ताजों का काम करते हैं, फिर बाकड़ बैसे भी रखते हैं, ताजे ताजी रखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे से पशुधन दिखा रहे हैं कौन से लैक्टेशन में है जी? दूसरे लैक्टेशन में काविंग करेगी, दूसरे लैक्टेशन में। ठीक है जी, दूसरे लैक्टेशन में काविंग है और जोटी करेगी जी। बात करेंगे हम जोटी की जो क्वालिटी है जी, एक बार फेस पे लेके जाना चाहेंगे जी, बिल्कुल छोटे सींग की। और आज के टाइम में ये मौसम ऐसा जी, ताज़ा ब्याह हुआ पशुधन मिलना काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि आगे आगे जो मौसम है जी, इसमें जो वैसे जी काविंग काफ़ी कम करती है। तो गैबिन जोटी की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जी, बिल्कुल छोटे सींग की है और ये देख सकते हैं जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, बिल्कुल छोटा सींग। और खाने पीने में जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, तो भाई साहब कितना टाइम बचता है काविंग करने का? पाँच दिन काविंग करने के बचते। एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए। 5 दिन जो कि काविंग करने के अभी से जोटी के बचते हैं जी, और कुछ दिन ऊपर नीचे भी है जोटी ले सकती है जी। और आपको अभी पशुधन का पता लगेगा कि पशुधन कैसा। भाई साहब की हाइट काफ़ी ज़्यादा, भाई साहब की हाइट से आप अंदाज़ा ना लगाए। साइज़ जो मीडियम से ऊपर की जो वैसे होती है जी, वैसा साइज़ आप इसमें देख भी पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वो हमें देखने को मिली, बिल्कुल छोटे सिंह की। ऐसा फेस ज़्यादातर जो कि फर्स्ट लैक्टेशन की जोटियों में ही देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं। आपको अडर है वो दिखाना चाहेंगे जी, काफ़ी अच्छा खासा अडर है विकसित किया है, लेके चलो और एक बार। और ये देख सकते हैं जी, पीछे से जो अडर आप देख पा रहे हैं काफ़ी साफ सुथरा अडर, अडर में किसी भी प्रकार का जो कि अनबैलेंस है वो हमें इसमें नहीं देखने को मिला। और बात करेंगे जी जो पीठ पुट्ठा है, ऐसा जो पीठ पुट्ठा जी पशुधन का काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं जी, अभी से 5 दिन काविंग करने के बचते हैं। और 4 अडर है वो आपको एक बार डांट के रखो भाई साहब, 4 अडर है वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे जी, जो मजबूत ठंड पासे की जो देख पा रहे हैं। और अडर में जो नशे हैं, बंद लो आप एक बार, बंद लो, जो अडर में जो नसें हैं जी, काफ़ी मोटी मोटी जो वेन्स आप यहाँ पे जैसे देख भी पा रहे हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जी, जो कहीं ना कहीं एक साफ साफ दुधारू पशुधन को ही प्रमाणित हो करती है जी। ये देख सकते हैं जो मिल्क वेन देख पा रहे हैं, काफ़ी मजबूत ठंड पासे की जो जोटी है वो हमें देखने को मिली। ठंडों में जो स्पेसिंग है काफ़ी लाजवाब हमें देखने को मिली जी, ये देख सकते हैं। तो भाई साहब जानना चाहेंगे फर्स्ट लैक्टेशन में क्या कुछ दूध दिया हुआ इसने? 15 से प्लस। अच्छा जी, तो अब के हिसाब से जैसी बन के आई है जी जोटी, काफ़ी अच्छी बन के आई है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ दूध की हम इससे उम्मीद कर सकते हैं जी? 18 से प्लस की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिक्री के लिए आप उपलब्ध? हाँ जी। तो एक बार रेट बता दीजिए भाई साहब। अच्छा, रेट मौके पे करेंगे। ठीक है, तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये भाई साहब का जो कि रेगुलर रूटीन से भी जो कि स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है जी, वो चल रहा, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अडर में जी किसी भी प्रकार का पीछे से अनबैलेंस है वो हमें नहीं देखने को मिला। और ऐसे थन पासे की जो जोटियाँ हैं जी, काफ़ी दूध निकालने में काफ़ी ज़्यादा जो कि सक्षम है वो होती है जी। 4 अडर साइड से, दूसरी साइड से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जी, काफ़ी मजबूत थन पासे की है वो हमें देखने को मिली जी। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, शांत स्वभाव जोटी का काफ़ी अच्छा, जो स्पेशली अपने घर पे 1 या 2 पशुधन रखते हैं जी, ऐसी जोटियों को काफ़ी ज़्यादा तलाशते हैं, क्योंकि
आज के टाइम में जो कि अच्छी क्वालिटी का मुर्रा पशुधन मिलना काफ़ी बड़ी बात है। और फर्स्ट लैक्टेशन में जोटी ने जो कि 15 से प्लस जो कि दूध है वो निकाला हुआ, तो अब की बार भी हम इससे जो कि अच्छे खासे दूध की उम्मीद है वो कर सकते हैं। और अब की बार भी काफ़ी अच्छी खासी जो कि बन के आई है, अभी से काविंग करने का टाइम है और भी काफ़ी अच्छी बनने की हम इससे उम्मीद है वो कर सकते हैं जी। तो रेगुलर रूटीन से भी भाई साहब का जो कि स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑल टाइम आपको यहाँ पे 3 से 4 बैसे ताज़ा ब्याई हुई और बात करें 51 बैसे हैं वो आपको ऑल टाइम यहाँ पे बिक्री के लिए उपलब्ध है वो मिलेंगे, आप किसी भी टाइम आके विजिट कर सकते हैं जी। आशा करेंगे आज की जो हमारी कवरेज है भाई साहब के डेयरी फार्म से आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।